हेलो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और यूपी सरकार को प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन प्रोवाइड करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि उनसे कोई आईडी वगैरह ना मांगी जाए और उनको परेशान ना किया जाए। यदि उनके पास कोई आईडी है तो ठीक है, यदि नहीं है तो भी उनको राशन प्रोवाइड किया जाए। साथ ही एक सामुदायिक रसोई स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि उनको दिन में दो बार खाना दिया जा सके और उनका परिवार भूखा ना रहे। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है कि परिवहन की व्यवस्था की जाए ताकि जो लोग रास्ते में फंसे हैं वो अपने घर जा पाएँ और जैसा पिछले लॉकडाउन में हुआ था उस तरह की स्थिति का सामना उनको ना करना पड़े। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार सरकार को भी इसी तरह के इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए हैं और उनको जवाब दाखिल करने का समय दिया है। तो यह बहुत ही अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एक याचिका पर विचार करते हुए ये बिंदु पहले से निर्धारित कर दिया ताकि लोगों को पिछली बार जैसे लॉकडाउन हुआ था और लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था वो ना करना पड़े। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में दिशा निर्देश पहले ही राज्य सरकारों को दे दिए हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पूरे हिंदुस्तान की जनता पर असर पड़ता है। जो भी वो निर्णय देते हैं बाकी सब लोगों को और जितने भी कोर्ट हैं उनको निर्णय मानना होता है, सरकारों को वो निर्णय मानना होता है। एक निर्देश के रूप में सुप्रीम कोर्ट उनको गाइडेंस देते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ ताकि जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहे हैं वह आप तक पहुँच सके और आप अपने विचार, अपने जो अधिकारों के प्रति सतर्क रहें और ताकि आपको पता चलता रहे कि जो भी आपके अधिकार हैं वो आपको मिलने चाहिए। मैं इसका इस जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यदि आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर लाइक करना ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।